अब हम लोग निकल गए हैं, अब जा रहे हैं अग्नि तीर्थम पहले नहाने, उसके बाद आके ये कुंड में नहाऊंगा 22 कुंड में, और फिर मंदिर में दर्शन करूंगा, फिर आगे आगे वैसे आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करूँगा। यहाँ आया हूँ धोती गमछा लेने, थोड़ा ट्रेडिशनल में जाऊँगा, यहाँ पर ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर अंदर जाके नहाना है, फिर उसके बाद फिर देखता हूँ आगे पूजा करने जाऊँगा। ये आ गए अब हम लोग अग्नि तीर्थम, यहाँ पर पहले नहाएंगे, यहाँ पर ही सीता जी आए थी अपना पवित्रता करने के लिए जब रावण से छूट के आई थी, तो यहीं पर आके अग्नि देव को बोली थी लक्ष्मण को कि मुझे यहाँ जला दो, पर वो फिर भी नहीं जली थी, तो वही यहाँ पर अग्नि तीर्थम है, और अग्नि जी को भी ख़राब लगा था तो वो शिव जी के पास जाके दंडवत हो गए थे, तो वही ये अग्नि तीर्थम है, यहाँ पर हमें यहाँ नहाना होगा, इसलिए यहाँ पर सब लोग फूल माला ये सब दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ सीता जी आके अपनी पवित्रता के लिए नहाई थी यहाँ पर रावण जी से जब छूट के आई थी वनवास से। देख सकते कितना भीड़ है यहाँ पर, बहुत भीड़ है, उधर भीड़ है, पूरा भीड़ है यहाँ पर, सब लोग आए नहाने इधर, और वही सेम ड्रेस फिर वहाँ पर पहन नहा के वहाँ पर ही जाके अग्नि तीर्थम वहाँ नहा के फिर ड्रेस चेंज करके फिर टेम्पल में दर्शन करने जा सकते हैं, फिर आगे अपडेट करता हूँ। यहाँ आप लोग बहुत अच्छे से नहा सकते हैं, यहाँ पर ना डुबाव नहीं है, थोड़ा भी डुबाव नहीं है, बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं, देखिए कहाँ तक लोग जा रहे हैं, ये देखिए उतने दूर तक जा रहे हैं, आपको कहीं भी डुबाव नहीं मिलेगा आपको, तो आप लोग नहा सकते हैं यहाँ पर, ये आराम से नहा के आप लोग अब जा सकते हैं, मैं तो नहा ली अब जा रहा हूँ। ये अब जा रहे हैं 22 कुंड के अंदर, अब ये नहाने 22 कुंड में ये अंदर अब जाएंगे नहाएंगे, मोबाइल अंदर अलाव नहीं है तो मोबाइल मैं नहीं ले जा सकता, आपको यहीं से बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, इसके अंदर अभी जाएंगे, और यहाँ पर ऐसे लॉकर रूम है, यहाँ लॉकर रूम है, 50 रुपये का लॉकर रूम है, इधर ही मैं ले लिया, आगे उधर लॉकर रूम में 100 रुपये मांगते हैं, यहाँ 50 रुपये में यहीं पर अपने कपड़े मोबाइल सब जमा कर देना है, फिर उधर से आके आपको ड्रेस चेंज करना है, आप इधर से जाएंगे ये मंदिर से घुसेंगे नहाने के लिए 22 कुंड में, फिर आप निकलेंगे आगे से, और फिर मंदिर इधर से जाना है, इधर से जाके मंदिर है वो साइड है मंदिर है, उधर आपको जाके नहाना है, सॉरी दर्शन करना है, तो आगे और भी अपडेट करता हूँ, ये अभी लॉकर रूम में देने जा रहा है सामान सब, ठीक है, ये अब जा रहे हैं 22 कुंड के अंदर नहाने के लिए, ये अंदर नहाने के लिए जा रहे हैं, 25 रुपये लेते हैं अंदर नहाने का 22 कुंड का, ये अंदर अभी जा रहे हैं, ये अब अंदर जाएंगे नहाएंगे, मोबाइल देखते हैं अंदर अलाव नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं अगर होगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, मोबाइल ऐसे अलाव नहीं, बोले स्विच ऑफ करके रखना पड़ेगा, 25 रुपये आपको अंदर चार्ज लगेगा 22 कुंड का नहाने का देना पड़ेगा, पर पर्सन 25 रुपये, अभी जा रहे हैं अंदर देखते हैं, कपड़ा चेंज करने का भी अंदर है ऐसे बोल रहे हैं, पर मैंने लॉकर ले रखा है, ये जा रहे हैं 22 कुंड के अंदर ऐसे करके, ये अभी ऐसे करके लाइन लगा के जा रहे हैं ऐसे करके 22 कुंड के अंदर, अभी जाएंगे नहाएंगे देखते हैं, ये अभी अंदर घुस गए हैं ये 22 कुंड के अंदर के नहाने के लिए, जहाँ तक अलावा है वहाँ तक बनाऊँगा, ये ऐसे घुस गया हूँ, ये सातवां कुंड आ गए नहाने के लिए, ये सातवां कुंड है, ये देख सकते हैं, ये सातवां कुंड है नहाने के लिए, ये देख सकते हैं सातवां कुंड जा रहे हैं अभी नहाने, ये देख सकते हैं ऐसे पानी निकल रहा है, ये देखिए यहाँ पर है सब नहा रहे हैं, ये 18 हो गया हमारा, 18 कुंड हो गया, 18 नहाना है, तो इधर 3 कुंड बचे हुए हैं, ये देखिए ये 3 कुंड बचे हुए हैं, ये 3 कुंड नहाऊंगा, जहाँ तक मोबाइल ले जा पा रहा हूँ धीरे धीरे करके ले जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये हो गया 18, ये 19, 20, 21, 22 यहाँ ख़त्म हो जाएंगे हम, फिर 22 कुंड हमारा कम्प्लीट हो जाएगा, आगे और देखता हूँ, लास्ट जा रहे हैं 22 तीर्थम करने, 22 कुंड का नहाने के लास्ट है ये देख सकते हैं, ये 22 कुंड नहाने के लास्ट है ये हमारा 22 कुंड, इसके बाद दर्शन करने जाएंगे, ये ऐसे ऐसे घूम के जाना है हमें, मोबाइल अलाउ नहीं है पर धीरे धीरे करके ऐसे बना ले रहे हैं, ऐसे घूम के जाना है 22, और सबके अलग अलग नाम है 22 कुंड के ना, अलग अलग नाम है, तो ऐसे करके नहा के जाना है, पानी डालते हैं बाल्टी से, अब ये जा रहे हैं लास्ट दर्शन करने,
बाईस कुंड नहाने के लिए उसके बाद दर्शन करेंगे। ये देखिए यहीं पर बाईस कुंड नहा रहे हैं, ये देखिए ये अब नहा लिए हैं, अब ये बाहर की ओर जा रहे हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं। ये पिलर वगैरह सब इतना अच्छा लग रहा है पूरा, ये देख सकते हैं पूरा अच्छा पिलर उलर वगैरह सब कुछ लग रहा है। ये बाहर जाएंगे नहा के, ये मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। अब ये यहाँ चेंजिंग रूम का है, ये अभी बाहर की ओर जा रहे हैं, ये देख सकते हैं ऐसा है पूरा। और यह चेंजिंग रूम है, यहाँ चेंजिंग कर सकते हैं, वैसा है ड्रेस पहन के आते हैं उसके बाद। ये अब जा रहा हूँ दर्शन के लिए, नहा लिया हूँ, सब ड्रेस व्रेस सब चेंज हो गया, अब जा रहा हूँ दर्शन कर लिए। ये अब जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, अब अंदर में सब कुछ नहा धो लिया, ड्रेस चेंज कर लिया। ये हमारी पोशाक है यहाँ साउथ इंडियन ट्रेडिशनल के हिसाब से, पर अच्छा है हमारा पोशाक तो यही है पूजा के लिए। तो जा रहा हूँ अभी दर्शन करने के लिए अंदर में, और उसके बाद फिर आपको अपडेट करता हूँ पहुँच के अंदर दर्शन करके, ठीक है। भीड़ वैसा है नहीं, आप दर्शन आपका तुरंत तुरंत हो जाएगा। धूप बहुत है यहाँ पर, अभी बहुत कड़ा धूप है, बरसात के सीज़न में भी धूप है। बस पहुँच गए हैं मंदिर, ये अंदर घुस गए हैं, सिक्योरिटी है, ये अंदर घुस गए हैं, अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। पहला कॉरिडोर है, यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से इधर से ये सब बैठे हुए हैं, ड्रेस चेंज करके आ गए हैं, तो अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारा दोस्त भी खड़ा है अंदर में, ये अब अंदर जा रहे हैं मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए। यहाँ से ऐसे घूम के जाना है, अब जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा भीड़ है दर्शन के लिए, पर हो जाएंगे तुरंत, ज़्यादा भीड़ नहीं है, ये देख सकते हैं। यहाँ से ऐसे घूम करके जाना है, ये पूरा कॉरिडोर है, ये पूरा कॉरिडोर है, ऐसे घूम करके पूरा आना है मंदिर दर्शन करने के लिए। ये पूरा कॉरिडोर है, ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ से घूम के, ये ऐसे करके जाके वैसे सामने से घूम के ऐसे आना, बहुत लंबा है। ये देखिए, ये अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ऐसे घूम घूम के, लाइन में लग के ऐसे जा रहे हैं अभी रामेश्वरम को दर्शन करने। ये मेरा आठवां ज्योतिर्लिंग है, ये मेरा एट्थ ज्योतिर्लिंग है, इसके बाद मैं मल्लिकार्जुन जाऊँगा यहाँ से। तो अभी ये लाइन में लग के जा रहे हैं अंदर अंदर, ऐसे करके देख सकते हैं, ऐसे करके लाइन में जाना है, और आगे बताता हूँ फिर। ये हम लोग लाइन में लग के जा रहे हैं, ऐसे पीछे देख सकते हैं, ऐसे लाइन में लग के अभी आगे जा रहे हैं। ये मेरा आठवां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, उसके बाद मल्लिकार्जुन नौवां ज्योतिर्लिंग होगा, इधर से जाऊँगा ऐसे जा रहा हूँ, जहाँ तक मोबाइल ले रहा हूँ वहाँ तक वीडियो बनाऊँगा। ये लाइन में लग के जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ। प्लीज़ चैनल को मेरा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, देख के आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, फिर आगे बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्फटिका लिंगम और स्फोटी लिंगम सुबह 6 बजे से होते हैं, 5 से 6 होते हैं। ये आ गए हम लोग श्री रामेश्वर श्रीन आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 5 से 6 होते हैं, पैसे लगते हैं 50 रुपया स्फटिका लिंगम का और कोटी लिंगम का। ये दोनों आप नागमणि का दर्शन कर सकते हैं सुबह आके। ये भी हम लोग अंदर घुस रहे हैं, जब हम लोग मंदिर के सामने पहुंच गए हैं दर्शन का। यहाँ पर ऐसे खड़े हैं, भीड़ देख ली, बहुत है भीड़, लाइन है, छुप के मोबाइल बनाना पड़ रहा है। ये पहुंच गया हूँ मैं, ये भीड़ इतना पहुंच गया हूँ मैं, मंदिर के सामने पहुंच गया हूँ, ये पहुंच गया हूँ मंदिर के सामने मैं, ये देख सकते हैं ये दर्शन। ये हो गए हमारे दर्शन हो गए, ये ज्योतिर्लिंग की हमारी आठवां ज्योतिर्लिंग था ये, और 4 धाम में से ये 3रा धाम है हमारा रामेश्वरम। और अब जाता हूँ बाहर की ओर, जा रहा हूँ एग्ज़िट की ओर, अब देखता हूँ ये एग्ज़िट की ओर है, बाहर निकलने का ये है भगवान सब।
ये सबके नाम है, सनातन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, थल धन लक्ष्मी, ध्यान लक्ष्मी, ये सब देख सकते हैं बाहर। ये सब कितना अच्छा है यहाँ पर है मंदिर के बाहर। ये हमारा भाई भी दर्शन कर लिया है बहुत अच्छे से भोपाल का अमन। अब हम लोग निकलेंगे बाहर की ओर, देखते हैं बाहर निकलेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे बाहर घूमने के लिए, देखते हैं। ये है पार्वती माता, यहाँ पर ऐसे दर्शन। ये पार्वती माता, ये हो गए अब हमारे दर्शन रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की, जो हमारी 8वीं ज्योतिर्लिंग थी और 4 धाम में से 3रा धाम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर से देखता हूँ अभी कहाँ कहाँ जाऊँगा, फिर अपडेट करूँगा आपको। देखता हूँ अभी, यहाँ लड्डू आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ऐसे धाम है, यहाँ पर लेकिन कैश चलता है, UPI नहीं चलता, तो आप कैश लेके आए। हमने अभी ये अन्ना से लिया है पैसा, कैश दिए मुझे ये, इनसे लिया हूँ UPI ट्रांसफर, तो आप कैश लेके आए। यहाँ पर देखिए लड्डू का दाम है 100 ग्राम का 30 रुपया, 2 लड्डू ऐसे करके दाम है, आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं लड्डू प्रसाद के लिए। यहाँ से बाहर निकलते हुए मिल जाएंगे आपको रामेश्वरम का। यह मैं लड्डू ले लिया हूँ 6 पैकेट, यहाँ पर 30-30 रुपये करके लड्डू है 100 ग्राम, आप जैसे भी ले सकते हैं। ये अब ले लिया हूँ, ये देखिए लड्डू, ये रामेश्वरम का लड्डू है, ये 2 पीस रहते हैं एक लड्डू में, 30 रुपये दाम में आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैश देना होगा, UPI नहीं चलता, ठीक है। अब जा रहे हैं धनुष कोटी के लिए और राम सेतु के लिए जा रहा हूँ अब घूमने के लिए। बाइक ले लिया हूँ रेंट पे, अब जा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लूँगा खाना वगैरह नाश्ता, उसके बाद अब मैं निकलूँगा। रामेश्वरम हमारा दर्शन हो गया और अभी जा रहा हूँ उधर, तो आप लोगों को फिर आगे अपडेट करूँगा। ये बाइक मैंने रेंट पे ले लिया है, पल्सर 700 पड़ा है, स्कूटी भी था 600 का, पर स्कूटी नहीं लिया, 700 इसका पड़ा, 40-45 की माइलेज दे देगी 150 पल्सर। और यहाँ से पेट्रोल ले लिया है मैंने अभी 200 के, क्योंकि 25 किलोमीटर जाने का है और 25 किलोमीटर आने का, 25 किलोमीटर यहाँ से धनुष कोटी, राम सेतु, अब्दुल कलाम मेमोरियल, सारा आपको यही रूट में पड़ जाएगा सारा। तो अभी मैं जाता हूँ और उसके बाद फिर आगे और भी बताता हूँ फिर, ठीक है। किलोमीटर है, 10 किलोमीटर हो गए टोटल। ये रोड देख सकते हैं, रोड कितना अच्छा है, एकदम स्मूथ है, धनुष कोटी जाने के लिए, पंबन ब्रिज जाने के लिए बहुत ही अच्छा रोड है। देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए फॉरेस्ट एरिया, और उधर रेत है, बालू है, उधर पूरा वाइट सैंड है, पूरा बहुत ही अच्छा लग रहा है। गर्मी यहाँ बहुत है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। ये धनुष कोटी के लिए जा रहे हैं बाइक, बरसात के मौसम आप देख सकते हैं कितना धूप में कड़ा, ताकि 33 डिग्री सेल्सियस है, तो इधर आपका नेटवर्क टूट जाएगा, नेटवर्क वीक हो जाएगा। देख सकते हैं पूरे इंडिया में पानी भरा, पर यहाँ पानी नहीं कुछ नहीं, गर्मी है, और बहुत ही अच्छा रोड है, बहुत अच्छा फॉरेस्ट एरिया, पीछे का एरिया देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो आगे मिलते हैं, और चल मल्लाई है जो ये 30 किलोमीटर है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये व्यू देखो कितना अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पर आके, आप लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग करो, यहाँ पर आओ, तब ये मौसम का आप लोग मजा उठा पाओ, वेदर का मजा उठाओगे, व्यू का मजा उठा पाओगे। ये हम लोग अब घुस गए हैं वे टू ये कुडारमन टेम्पल। ये विभीषण मंदिर है यहाँ पर, ये विभीषण जी का टेंपल है, यहाँ पर देख सकते हैं कोत, ये लॉर्ड रामा का है, कोथंडा रामार टेंपल, यहाँ पर अभी आया हूँ और इसके बाद फिर दिखता हूँ धनुष कोटी जाऊँगा। यहाँ पर ऐसे दर्शन के लिए जाना है,
इसके अंदर। ये आ गया धनुष 40 ऑल मनी। धनुष 40 पहुंच गया। पहुंच गए धनुष 40 हम लोग यहाँ पर बीच में। यहाँ पर अब इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया है ये। इसके आगे अब श्रीलंका चले जाएंगे हम लोग। ये देख सकते हैं सब कोई नहा रहा है यहाँ पर। ये लास्ट लैंड ऑफ इंडिया है ये। ये देखिए धनुष 40 है पूरा, कितना अच्छा व्यू है, सीन है। आप यहाँ पर आइए, मज़े लीजिए पानी का, तभी आपको अच्छा लगेगा सीन व्यू का। यहाँ दूर से आप लोग उतना अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर, गाड़ी यहाँ पर खड़ा कर दीजिए। हम लोग भी आए अपने बाइक से। ये पूरा सीन है वैसे धनुष 40 का। ये अभी यहाँ पर प्यास लग गया था तो नींबू पानी पी रहा हूँ, लेमन पानी। उसके बाद यहाँ पर पानी ठंडा पिया, यहाँ पर 30 रुपीज़ करके यहाँ पर लेमन पानी और पानी यार बॉटल 25। बहुत गर्मी था, बहुत गर्म बर्दाश्त नहीं हुआ। पता है मैं 3-4 किलोमीटर पीछे आया हूँ पानी लेने के लिए बाइक से, 3-4 किलोमीटर है। पता है बोर्ड पे गलत लिखा हुआ है कि 0.1 किलोमीटर है अब, और धनुष 40 पर था नहीं 4-5 किलोमीटर है, तो 25 से 30 किलोमीटर समझो कि धनुष 40 है। ये देख सकते हैं ये धनुष 40 का मिडिल में आज खड़ा हूँ, धनुष 40 का पूरा बीच में। नहाने का मन तो यहाँ पर भी है बहुत, पर क्या करूं ड्रेस नहीं लाया, छोड़ दिया मैं। पर बात वही है, यहाँ भी बहुत मजा आएगा। ये देखिए पूरा बीचों बीच धनुष 40 का, पानी नहीं है इधर, इधर आप फ्रेश नहा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस व्यू को। यहाँ पर पहुँच के आप लोग यहाँ पर व्यू को इन्जॉय कर सकते हैं। जैसे सब ये गाड़ी वगैरह सब व्हीकल बस वगैरह सब कुछ आता है, बस भी आता है यहाँ पर, सब आता है। 50 रुपये बस वाले लेंगे और अपना पर्सनल व्हीकल करके भी आ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप आ सकते हैं। ऑटो भी आता है यहाँ पर, ऑटो आपको 700 रुपये अप एंड डाउन का लेगा पहुँचाने का, यहाँ से 700 रुपये। 28 किलोमीटर मिश्रम से है ये धनुष 40 का। मैं बीचों बीच में खड़ा हूँ, पानी की लहर नहीं है, आप नहा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। ये धनुष 40 के बीचों में आ गया हूँ रामेश्वरम से, 28 किलोमीटर है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और भी बनाता रहूँ, मुझे हेल्प मिले, मोटिवेट मिले आप लोग से। और मेरे चैनल पर विजिट करिए, ये देख सकते हैं इतनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है। आप यहाँ आ सकते हैं तभी आपको ये व्यू का मज़ा आएगा, ऐसे करके बहुत ही मस्त व्यू है, देख सकते हैं इतना व्यू का बहुत मज़ा है। तो आप लोग आइए इन्जॉय करिए यहाँ पर धनुष 40। मैं ये वीडियो सारा आप लोग के लिए डालूंगा, कैसे आया हूँ कैसे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन्जॉय करिए पूरा, यहाँ आके यहाँ सीन का मज़ा लीजिए। ये लास्ट लैंड ऑफ इंडिया है, इंडिया का लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। इसके बाद श्रीलंका चले जाओगे पानी की और तरह से जाओगे तो। हाँ, और यहाँ गर्मी बहुत है, बहुत ही बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, बरसात का सीज़न है, पर यहाँ पर 33, 34, 35 डिग्री है यहाँ पर। और सब जगह रेनी सीज़न पानी हो रहा है पर यहाँ पर नहीं, पर इधर ठंडा लगेगा आपको आके। थैंक यू। ये देख सकते हैं रामेश्वरम में ये पंपम बीच है।
पूरा पम्बम ब्रिज, यही है रेलवे स्टेशन जो यहाँ पर ट्रेन आती थी पर अभी स्टॉप कर दिया गया है। किस्मत ख़राब है हम लोग का, पर हाँ जब ट्रेन चलेगी तब बहुत ही अच्छा सीन आएगा, व्यू आएगा, तब शायद हो सके तो फिर से एक बार आऊँ मैं यहाँ पर रामेश्वरम, क्योंकि ट्रेन यहाँ से गुजरती थी या वहाँ जाती थी पूरा बहुत ही अच्छा व्यू आता था, लगता था बहुत अच्छा लगता था। पर अभी इस पर काम चल रहा है, ये देख सकते हैं, और ये खुलता था बहुत अच्छा लगता था, खुलता था जब सीप जाता था और ये ट्रेन जाती थी तब ये खुलता था, बहुत अच्छा लगता था। ये देखिए पूरा यहाँ से अलग हो जाएगा, खुलेगा, अब तो इससे भी काम चल रहा है, पर फिर भी ये पम्बम ब्रिज, ये रामेश्वरम से आपको 16 किलोमीटर है मंदिर से। तो हम लोग बाइक से आ गए इधर, देख सकते हैं पूरा व्यू है इधर, बहुत अच्छा व्यू है। ये आ गए APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल, यहाँ देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल। यहाँ पर मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है, तो हम लोग को बाहर ही शॉप में डिपॉजिट देना होगा, तो मैं दे दूँगा। तो आप लोगों के लिए बाहर से ही वीडियो बना दे रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ भी आ सकते हैं। और आगे थोड़ा सा हाफ किलोमीटर में वानगंगा है, जो राम जी सीता के लिए पानी तीर से मारे थे बांध से, या तो वो आधा किलोमीटर दूर पर, तो वो अभी जाऊँगा। भाई ये APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो ये बाहर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से ज़रूर करें जितना ज़्यादा से हो सके, और मैं आगे दिखाता हूँ, अपडेट करता हूँ। ये आ गए हैं बिलुंडी तीर्थम, यहाँ पर ही राम जी सीता के लिए बांध मारे थे पानी के लिए, मीठा पानी यहीं मिलता है रामेश्वरम में। ये आ गए हैं अब बिलुंडी तीर्थम, ये देख सकते हैं पूरा शांत पानी है, इधर वाइट पानी टाइप का है, अभी जा रहे हैं वही पीने के लिए, देखते हैं पानी मीठा है कि नहीं है, पियेंगे उसके बाद पता चलेगा। ये देख सकते हैं कितना अच्छा सीन और व्यू है, यहाँ आप लोग ज़रूर आएँ और यहाँ पर विज़िट करें, घूमें, बहुत ही अच्छा लगेगा सीन सामने से, बहुत ही अच्छा है ये। ये बिलुंडी तीर्थम है, यहाँ पर पानी मीठा, राम जी बांध मारे थे सीता के लिए, सीता जी के लिए पानी मीठा, ये देखिए पूरा मीठा पानी का है, यहाँ पर मीठा पानी मिलता है, ये देखिए इधर से ऐसा करके आना है रामेश्वरम में, ये पूरा पानी शांत है यहाँ का। मैं अभी आया हूँ वृंदावन कैफ़े यहाँ पर खाने के लिए, बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर खाना, मुझे टेस्ट सही लगा था तो यहाँ पर आया हूँ खाने के लिए, और अब मेरा दर्शन सब कुछ हो गया यहाँ पर, तो मैं अब यहाँ से निकल जाऊँगा, हमारा रात में ट्रेन है, तो अभी आया हूँ यहाँ पर खाने के लिए, खा के फिर निकलूँगा यहाँ से, 11 बजे की ट्रेन है मेरी रात में, तो यहाँ से निकलूँगा मैं अभी। सब साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ सब मिलता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर खा सकते हैं, मंदिर का सामने है ये देखिए, ये पनीर फ्राइड राइस मंगाया हूँ मैं, ये खा रहा हूँ, 140 कॉस्ट पड़ा है। अब साउथ इंडियन खाएंगे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, नॉर्थ इंडियन थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन ठीक है 140 है, तो ये अभी खा रहा हूँ, ये खा के फिर निकलूँगा, टेस्ट तो अच्छा है, देखता हूँ आगे। और एक मिल्क शेक मंगाया हूँ, देखता हूँ उसका टेस्ट कैसा है। वृंदावन ये होटल सामने है मंदिर का, आके आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, वेस्ट गेट के पास है यहाँ। अब मैं पहुँच गया हूँ रामेश्वरम, पूरा दर्शन हो गया मेरा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मंडपम ट्रेन में चढ़ने, पूरा रामेश्वरम की वीडियो बनाया है, मैं अपलोड कर दूंगा ब्लॉग आपके लिए। और ये रामेश्वरम का मेरा पूरा ख़त्म हुआ ट्रिप, अब मैं, और ये मेरा 8वां ज्योतिर्लिंग था, और 4 धाम में ये मेरा 3रा धाम था, पूरी, द्वारकाधीश और रामेश्वरम, बद्रीनाथ बचा हुआ है, वो भी कभी कर लूँगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए खूब से खूब ज़्यादा, और भी चैनल इस तरह आपके वीडियो लाता रहूँगा ट्रैवलिंग का, और भी आप लोगों के लिए कुछ नया लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।